जय माता दी ऑल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड एन्जॉय योर सेल्फ अलॉन्ग विद योर पापा डैडा पॉप आप जो भी कहते हैं उनके साथ एंजॉय कीजिए दिल खोल कर उनके साथ uh, मस्ती वस्ती कीजिए एंड आल से मैं दो बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑप्शंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन एंड आल से आपको मजा आने वाला है दोनों गिफ्ट आ, मतलब सुनने के बाद और मैं कहूँगा आपको लगेगा कि सर ऐसा तो आज से पहले आपने कभी कभी अनाउंस किया ही नहीं तो भाई स्पेशल ओकेजन है तो हम इंटरनेशनल फादर्स डे वाले दिन स्पेशल दो गिफ्ट देने वाले लेकिन वो गिफ्ट आपको कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा सस्पेंस है एक प्री कंडीशन आपको फुलफिल कर रही है प्यारी सी प्री कंडीशन लेकिन वो प्यारी सी प्री कंडीशन क्या है वो बिल्कुल अंत में बताऊंगा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो दोनों गिफ्ट ऑप्शन बताऊं सबसे पहली चीज थोड़ी सी बात पिता के बारे में कर ले तो पिता वो है जो एक बेटे का सुपर हीरो होता है जो एक बेटी के लिए किंग होता है और कहते हैं बेटियां तो प्रिंसेस होती हैं पापा के लिए और पापा किंग होते हैं प्रिंसेस अपनी प्रिंसेस डॉटर के लिए पिता वो होता है जिसका हाथ कभी आपके सिर पर होता है कभी आपके कंधे पर होता है कभी आपकी पीठ के पीछे होता है कभी शाबाशी देने के लिए होता है कभी सपोर्ट करने के लिए होता है और वो आपकी चिंता आपसे ज़्यादा करता है उसने आपकी चिंता तब से करनी शुरू कर दी जब आप बहुत छोटे थे आपका भविष्य क्या होने वाला है उस भविष्य के लिए एफर्ट्स करता है आपसे ज्यादा एफर्ट्स जब आपने एफर्ट्स करना सीखा भी नहीं था ना अपने खुद के भविष्य के लिए वो तब से आपके भविष्य के लिए एफर्ट्स कर रहा है चाहे वो मॉनेटरी सेंस में हो चाहे वो मॉरल एथिकल सेंस में हो चाहे वो सपोर्ट सेंस में हो किसी भी तरीके से मतलब आपको मॉरल सपोर्ट देने के लिए हर तरीके से आपके साथ है स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप और वो फ्यूचर फोर्स ही करने की कोशिश करता है आपके लिए जो फ्यूचर आप अपने खुद के लिए फोर्स ही नहीं कर पाते और शायद पिता अगर साथ ना दे हाथ ना पकड़े तो शायद कहीं भटक जाते तो वही पिता आपका हाथ पकड़कर आपको सही रास्ते पे आगे ले चलने की पूरी कोशिश करता है कि आप सही रास्ते पे चलो आपका फ्यूचर अच्छा बने तो उस पिता को सल्यूट सलाम और मैं कहूँगा अब हम वहाँ आ जाते हैं जिसके बारे में मैं शुरू में अनाउंस कर रहा था गिफ्ट ऑप्शन वन और गिफ्ट ऑप्शन टू तो धीरे धीरे बात करते हैं धीरे धीरे स्क्रीन के ऊपर चीज़ें आती जाएंगी कुछ सस्पेंस है धीरे धीरे खुलता रहेगा गिफ्ट्स के बारे में तो गिफ्ट ऑप्शन वन नॉ इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन दिस इज योर ऑप्शन वन एंड दिस इज़ फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस एंड दिस इज कंपनी लॉ एंड जे We are offering at 6500 rupees together video lectures along with the e book lekin sir gift लेकिन सर गिफ्ट क्या है वो तो बताओ आप सुनना जरा ध्यान से सांस रोक कर और ये आगे आपके सामने हाँ SUB is coming absolutely free in this gift for you. इन दिस गिफ्ट फॉर यू और मैं कहूँगा ये जो एस यू बी के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं साथ में अलॉन्ग विद द ई बुक सोच के देखो थ्री पेपर्स थ्री पेपर्स मैंने जिंदगी में पहले कभी अनाउंस नहीं किया यार ऐसा थ्री सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ एंड द वीडियो लेक्चर्स ऑफ थ्री पेपर्स वी आर ऑफरिंग टू यू एंड अलॉन्ग विद द ई बुक और वैलिडी पीरियड जो रहेगा दैट इज डिसंबर ट्वेंटी थ्री एग्जाम तक थ्री व्यूज़ विल बी देयर वो छोटी छोटी बातें आपको मालूम है लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वैलिड ये ऑफर वैलिड है सिर्फ सिर्फ तीन दिन के लिए अट्ठारह उन्नीस और बीस जून के लिए तो अब मैं कहूँगा आप शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए है ना पिछले दस दिन में कि सर पापा की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है पापा को थोड़ी सी मतलब इतना मतलब प्रॉब्लम है थोड़ा सा आप और कम कर दो तो हम पापा से बात करते हैं एंड विल बी ट्राइंग टू टेक योर वीडियो लेक्चर्स तो मैं कहूँगा यार सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ थ्री सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स इससे कम ना अब हो नहीं सकता यार दिस इज़ मतलब दिस इज़ बिल्कुल क्या बोलें बॉटम लाइन है दिस इज़ एग्जैक्टली द बॉटम लाइन और सिर्फ रिगार्ड है उन फादर्स का जो आजकल थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है परेशानी है फॉर सम रीज़न और मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस बच्चे कर रहे हैं इंतज़ार कर रहे थे कि सर कुछ कुछ ऐसा दे दो फादर्स डे वाले दिन कि बस पापा भी खुश हो जाए तो मेरा मानना है कि अब पापा खुश हो जाएंगे डैड यू आर गेटिंग द नॉलेज विच इज़ यूजफुल फॉर लाइफ टाइम अब ये ध्यान से सुनना ये कंपनी लॉ ये जे आई जी एल ये एस यू बी मतलब मेरा दिल कहता है अगले पैंतीस साल चालीस साल काम आने वाला है आपके चाहे आप किसी कॉरपोरेट में जाओ चाहे आप किसी लॉफर्म में जाओ चाहे आप कहीं भी जाओ आपको लगेगा सर ये जो बेरक्ट वाली नॉलेज है ना बाल की खाल और खाल की खाल जिंदगी में कोई सिखा नहीं सकता था जिस तरीके से आपने सिखाई है और ये जो पेपर्स का कॉम्बिनेशन है कि लीगल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो चाहे आप इंडिया के टॉप टेन कॉरपोरेट फर्म्स में जाओ ये सारी नॉलेज ना काम आने वाली है आपके सो आई आई से मतलब दिस इज समथिंग अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू हु वॉन्ट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी डिसम्बर एग्जाम तो चलो एक चीज़ है कि एग्ज़ाम पास करना है लेकिन मैं कहूँगा यार उसके बाद मेरी मेरा विजन जो है ना जैसे पापा सोचते हैं ना फ्यूचर बच्चों के लिए तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ फ्यूचर अगले पैंतीस साल के लिए अगले चालीस साल के लिए ये सब कुछ ना बहुत काम आने वाला है मुझे माल, मालूम है यार मेरा दिल जानता है आज से चौबीस साल पहले जिन बच्चों को पढ़ा है ना वो आज तक याद करते हैं आज मतलब आज भी आकर वो मिलते हैं एंड दे आर लाइक और फोन पर बात होती है दे आर ऑलवेज थैंकफुल कि सर आपने जो खून में डालकर भेजा ना दैट स्किल ऑफ रीडिंग बिहाइंड द बिहाइंड द वर्ड्स इन बिटवीन द लाइंस वो जो तर्कश में तीर डाल के दिए हैं ना सर आज तक जिंदगी में काम आ रहे हैं तो रश्मि खंडेलवाल बिकमिंग हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ आल से क्रॉम्पटन कौ, कौ, ग्रीव्स देन मुकेश कुमार बिकमिंग हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पी सिनेमाज आ, निशांत नयन बिकमिंग हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ फ़िलिप्स इंडिया और मतलब बहुत लंबी लिस्ट है यार क्या बोलूँ बिल well, uh, बस मैं ये चाहूँगा कि आपका फ्यूचर ना उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए एंड दिस इज बिलीव मी दिस प्राइस इज़ इमेजिनेबल और इससे इससे नीचे हो ही नहीं सकता एंड द अदर थिंग दैट वी आर टॉकिंग ऑफ ऑप्शन टू भी है गिफ्ट ऑप्शन टू यू आर हैविंग एंड दैट इज़ द ना द कॉम्बो ऑफ फोर सब्जेक्ट्स जिसमें कमनी लॉ जे आई जी है एस एल एम ई बी सी एल है कुछ वो बच्चे भी हैं जो कह रहे हैं सर हमारा दिसंबर में बहुत ग्रुप्स है तो हमारे लिए क्या वो लोग भी व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं सर सर ग्रुप वन के पेपर भी चाहिए ग्रुप टू के भी चाहिए और वो भी हैं जो अभी मतलब बोथ ग्रुप्स की तैयारियाँ कर रहे हैं मतलब फर्स्ट टाइम बोथ ग्रुप देने वाले हैं वो भी हैं और मैं कहूँगा वो भी हैं जिन्होंने अभी एक ग्रुप्स देना था स्किप किया है लेकिन अब वो बोथ ग्रुप का प्लान कर रहे हैं दे आर प्लानिंग फॉर द बोथ ग्रुप्स तो उनके फायदे के लिए इट इज़ फॉर एवरीबडी और मैं कहूँगा हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं जो कह रहे हैं सर हमारा एस का पेपर एग्जाम हो गया है अभी हमें बाकी सात पेपर देने हैं तो इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेजेस भी मेरे पास आए तो मुझे लगा कि यार उन बच्चों का भी ध्यान रखा जाए जो बहुत ग्रुप्स में जा रहे हैं सो वेल आल से यू हैव टू पे नाइन फॉर टू पेपर्स आप ऐसे मान लो कि आप कंपनी लॉ के लिए पे कर रहे हो तो साथ में जे आई जी एल फ्री है या जे आई जी एल के लिए पे कर रहे हो तो कंपनी लॉ फ्री है और इस तरफ आप ऐसे समझो कि एस एल सी एम के लिए पे कर रहे हो तो ई बी सी एल फ्री है और ई बी सी एल के लिए पे कर रहे हो तो एस एल सी एम आपको फ्री मिल रहा है बिल्कुल ऑल टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स अलॉन्ग विद द ई बुक दैट इज देयर सो यू आर पेइंग जस्ट नाइन हंड्रेड नाइन नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन फॉर फोर सब्जेक्ट्स एंड यू आर गेटिंग यू न से आप दो सब्जेक्ट्स के लिए पे कर रहे हो और दो सब्जेक्ट्स फ्री हैं और जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विल बी वैलिड वंस अगेन फॉर डिसंबर ट्वेंटी थ्री एग्जाम एंड अलॉन्ग थ्री व्यूज फॉर एवरी वीडियो लेक्चर और ऑफर ओपन रहेगा वही अट्ठारह उन्नीस और बीस जून तीन दिन आपके लिए ऑफर ओपन रहेगा दैट्स इट सो एक लाइन लास्ट में खत्म करते हुए और उसके बाद प्री कंडीशन जो मैंने कहा था ना प्यारी सी प्री कंडीशन फुलफिल करनी है तो ये एक लाइन याद रखेगा जो पिता है वो बोल बोल कर नहीं जताता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसकी जो उसका जो काम है ना जो वो करता है आपके लिए उन कामों में नजर आता है कि पिता केयर करता है और वो जो केयर है वो उसका प्यार है और वो जो प्यार है वो केयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो मम्मी लोग का थोड़ा सा रहता है कि वो बोलती भी हैं और बोल के भी बताती हैं थप्पड़ भी लगाती हैं और बोल कर बताती भी हैं लेकिन पापा लोग का क्या होता है साइलेंट लवर टाइप के होते हैं हाँ तो और बेटों के साथ तो कभी कभी खींचातानी भी हो जाती है लेकिन पापा के जो काम है ना आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पापा वो जो चिंता करते हैं आपकी आपकी जो केयर करते हैं वो उनका प्यार है दैट इज़ साइलेंट लव ऑफ फादर फॉर यू और झप्पी झुप्पी डालकर उनके साथ एक सेल्फी करनी है आपको और वो सेल्फी लेकर मेरे पास इस फोन नंबर पर भेजनी है आपको ताकि आप इस ऑफर के लिए है पापा के साथ सेल्फी लेनी है और सेल्फी लेकर फिर मेरे पास इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देनी है तो आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो वरना आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होगे तो ये एक चीज है एंड सेकेंडली हाल से अभी भी कुछ दिल में बाकी है या कुछ अभी भी आप बोलना चाहते हो क्योंकि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो पिछले दिनों में आए मैंने उसके हिसाब से बिल्कुल वेल भिल, सोच रखा था कि ये फादर्स डे गिफ्ट में देने वाला हूँ जो पिछले 10-15 दिन से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे उसी के बेस पे अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए और कोई दिल की बात करनी है तो ये दो फ़ोन नंबर दिल की बात मतलब सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड रिलेटेड तो ये दो फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं सो कीप इंजॉइंग योर फादर्स डे सेल्फी भेजना मत भूलना थैंक यू सो मच जय माता दी